आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रीधर अपने इस दिल्ली के ब्लॉग सीरीज़ में अभी मैं दिल्ली के बहुत ही फेमस पार्क भारत दर्शन पार्क में आया हूँ। इस पार्क में हम लोग भारत के दर्शन करेंगे, मतलब कि इस पार्क के अंदर भारत के बहुत ही फेमस मंदिर और जितने फेमस मॉन्यूमेंट हैं, जितने फेमस आर्किटेक्चर है और जितनी फेमस बिल्डिंग्स हैं, तो उन सब का रेप्लिका बनाया गया है, उन सब का मॉडल बनाया गया है। तो अभी हम लोग इस पार्क के अंदर चलते हैं और वो सारे देखते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, ये पार्क के अंदर जितने भी मॉडल बनाए गए हैं वो सारे वेस्ट मटेरियल से बनाए गए हैं, जिसका क्रेडिट हम दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को देंगे, जिसने वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके एक क्रिएटिव चीज़ बनाया है और बहुत ही अच्छा चीज़ बनाया है। तो अभी हम लोग इस पार्क के अंदर चलते हैं। मैंने बहुत नाम भी सुना है इस पार्क का, तो इस पार्क में जाने के लिए हमें यहाँ से टिकट चाहिए, तो मैं हम लोग टिकट लेते हैं एंड देन हम लोग फिर इस पार्क के अंदर चलते हैं। तो आज की ब्लॉग शुरू करते हैं। भारत दर्शन पार्क में जाने के लिए हमने अपनी टिकट ले ली है और ये टिकट मुझे 100 रुपये का पड़ा, जो कि 4 आवर्स के लिए टिकट वैलिड है। तो अभी हम लोग पार्क की तरफ चलते हैं। हम लोग भारत दर्शन पार्क जाने के लिए भारत दर्शन पार्क के मेन एंट्रेंस पे आ गए हैं, मेन गेट पे आ गए हैं। ये है तवांग गेट, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और अभी हम लोग पार्क के अंदर चल रहे हैं। थैंक यू। ये देखिए वसुदेव कुटुंबकम और ये G20 भारत का। जैसा कि आप जान रहे होंगे 2023 G20 का समिट हमारे इंडिया होस्ट कर रहा है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर देखिए कितना सुंदर G20 वसुदेव कुटुंबकम के बारे में ये पूरा बनाया गया है। तो अभी हम लोग इस भारत दर्शन पार्क के अंदर चलते हैं और आपको पूरा ये भारत दर्शन पार्क दिखाते हैं। ये है गेटवे ऑफ इंडिया मुझे लग रहा है। ये है गेटवे ऑफ इंडिया। हाँ, ये देखिए गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये पूरा पार्क घूमने के लिए यहाँ पर पूरा इंट्रक्शन दिया गया है। देखिए हवा महल है और गोल गुंबज है, कुतुब मीनार है, तो मीनाक्षी टेंपल, ये सारे हम लोग नालंदा मॉन्यूमेंट, ये सारे हम लोग देखेंगे। और ये देखिए यहाँ पर फाउंटेन चल रहा है। और ये देखिए पूरा ये वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे ये सिलेंडर है, ये वेस्ट सिलेंडर LPG गैस का यूज़ करके पूरा बनाया गया है। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर देखिए कितना अच्छा ये वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके पूरा बनाया गया है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये LPG गैस सिलेंडर से ये पूरा बनाया गया है। ये ट्री है जिसको बट वृक्ष भी बोलते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है और यहाँ की वाइब्स बहुत ही अच्छा है और शाम का समय है। जैसा कि देखिए आप कुतुब मीनार भी देख पा रहे होंगे। ये देखिए हवा महल, जयपुर का हवा महल। तो भारत दर्शन पार्क में जयपुर का, राजस्थान का बहुत ही फेमस ये हवा महल। और अभी हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और भी मॉन्यूमेंट यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर ये भी मॉन्यूमेंट है, हमें नहीं पता ये क्या है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं ये क्या है। तो ये है गोल गुंबज, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा है, ये पूरा गोल गोल लग रहा है, इसलिए इसको पूरा गोल गुंबज बोलते हैं। और ये देखिए कुतुब मीनार, तो दिल्ली में दो दो कुतुब मीनार मुझे देखने को मिले। एक साउथ दिल्ली में है और एक यहाँ पर, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ये है कुतुब मीनार।
कुतुब मीनार तो मैं कभी गया नहीं। आज मैं फर्स्ट टाइम कुतुब मीनार का मॉडल देख रहा हूँ, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। तो मैं कुतुब मीनार भी कभी जाऊँगा तो आपको पूरा कुतुब मीनार दिखाऊँगा। ये है सर नालंदा यूनिवर्सिटी। तो देखिए यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है। हाँ ये देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ये पुस्का और ये देखिए मीनाक्षी टेंपल मुझे ये लग रहा है। तो मैं देखता हूँ ये क्या है। ये है, ये देखिए मीनाक्षी टेंपल। ये देखिए मीनाक्षी टेंपल मैं गया हूँ इसलिए मैंने गेस कर लिया कि मीनाक्षी टेंपल ही है। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। तो ये देखिए मीनाक्षी टेंपल, ये बहुत ही सुंदर लगा। देखिए कितना इसमें बारीकी से काम किया गया है। और अभी हम लोग आगे की तरफ चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर है बद्रीनाथ टेंपल और द्वारकाधीश टेंपल, दीप स्तंभ है, रामेश्वरम टेंपल है और जगन्नाथपुरी टेंपल है। तो इन सारे मॉन्यूमेंट को हम लोग देखेंगे आगे तरफ। पार्क को बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में पूरा डेकोरेट किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो बहुत ही सुंदर ये पार्क को पूरा मैनेज किया गया है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं एक तरीके से पूरा इंडिया ही घूम रहा हूँ यहाँ पर आने के बाद। तो ये देखिए बद्रीनाथ टेंपल। तो मैं बद्रीनाथ टेंपल भी गया हूँ, लेकिन मैं जब बद्रीनाथ टेंपल गया तो मैं वहाँ का ब्लॉग नहीं बनाया। और ये है द्वारकाधीश टेंपल। द्वारकाधीश टेंपल भी हम कुछ दिन में जाएंगे। तो आज मैंने द्वारकाधीश टेंपल कहीं से दर्शन कर लिया। जय हो, जय द्वारकाधीश, जय बद्री विशाल। तो ये है भारत दर्शन पार्क। देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ फ्लावर लगे हुए हैं। ये देखिए रामेश्वरम टेंपल है ये शायद। मैं देखता हूँ क्या है। हाँ ये देखिए रामेश्वरम टेंपल। तो हम रामेश्वरम टेंपल भी गए हैं। जय रामनाथ स्वामी। और ये देखिए पुरी का जगन्नाथ टेंपल, मैं यहाँ भी गया हूँ जगन्नाथ टेंपल में भी। तो ये है जगन्नाथ टेंपल। जय जगन्नाथ, जगन्नाथ ही है नहीं। हाँ देखिए जय जगन्नाथ पुरी। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये देखने में। जिसे एक तरीके से यहाँ आने से मैं चारों धाम का दर्शन भी कर लिया। यहाँ पे चारों धाम के मंदिर बनाए गए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा। और मेरा हम लोग की फैमिली का 3 धाम हो चुके हैं और 1 धाम बचा है द्वारकाधीश। तो अब मैं जब भी द्वारकाधीश जाऊंगा अपनी फैमिली के साथ तो अब मैं वहां का भी ब्लॉग बना के आपको दिखाऊंगा। तो एक ये भी मॉन्यूमेंट है, ये क्या है मुझे नहीं पता, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये इसका बारे में हम पता करते हैं, यहाँ पर लिखा है इसके बारे में। ये है महाबत पैलेस। ये है महाबत पैलेस। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये देखने में। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही यूनिक है। भारत दर्शन पार्क में ये है महाबत पैलेस, जो बहुत ही यूनिक डिज़ाइन हमें यहाँ का लगा। तो ये बहुत ही सुंदर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है और कितना यूनिक डिज़ाइन इसका मुझे लगा। तो ये है महाबत पैलेस, जो कि मैं भारत दर्शन पार्क दिल्ली में दिखा रहा हूँ आपको। अब ये देखिए स्तूप है ये। तो अब स्तूप के अंदर यहाँ पे चलते हैं, ये देखते हैं। तो इस स्तूप, तो ये है, ये देख, तो ये सांची स्तूप, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे।
तो ये सांची स्तूप है। ये पूरा वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके ही क्रिएटिव बनाया गया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखने में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है सांची स्तूप। ये देखिए विक्टोरिया पैलेस बनाया गया है यहाँ पर, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे विक्टोरिया पैलेस, और इधर की तरफ भी ये बनाया गया है। तो मैं इसका नाम जानता था, मैं भूल गया, ये है हम्पी रथ। हाँ, ये देखिए हम्पी, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए कितना यूनिक डिज़ाइन है। पार्क बहुत ही बड़े एरिया में है और यहाँ पर हमने बहुत ही मॉन्यूमेंट अब तक देखे हैं। अभी भी आगे मॉन्यूमेंट्स आ रहे हैं सारे, तो अभी हम लोग सारे देखते हैं आगे का। तो बहुत ही बड़े एरिया में ये पूरे पार्क को बनाया गया है, तो बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में यहाँ पर ये पूरा बनाया गया है। ये देखिए ताजमहल। ताजमहल को कोई भी देख के पहचान जाएगा कि ये है ताजमहल। मैंने कभी ताजमहल आज तक तो देखा नहीं, आज मैं ताजमहल का मॉडल देख रहा हूँ। और जैसा कि आप जानते होंगे, जो रियल ताजमहल है वो पूरा मार्बल से बनाया गया है, और इस ताजमहल को वेस्ट मटेरियल आयरन से बनाया गया है, तो वेस्ट मटेरियल लोहे से बनाया गया है। तो ये भी बहुत ही अपने सुंदरता का प्रतीक दे रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये भी, तो सच में बहुत ही अच्छा है ये। और आपने सफ़ेद ताजमहल देखे होंगे आगरा में तो ये आज आप काला ताजमहल भी यहाँ देख लीजिए तो ये बहुत ही अच्छा पार्क है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे मॉन्यूमेंट देखे हैं जो मैंने कभी नहीं देखा था, लेकिन आज मैं यहाँ पर वो सारे मॉन्यूमेंट देख रहा हूँ। तो भारत दर्शन पार्क में अभी हम लोग आ चुके हैं। ये है मैसूर पैलेस, तो ये मैसूर का पैलेस है। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ हम लोग पूरा एक तरीके से हम पूरा यहाँ पर चल भी रहे हैं और एक तरीके से पूरा यहाँ पर इंडिया को भी घूम रहे हैं। देश का दिल दिल्ली को ही बोलते हैं, तो आप देश के दिल में आकर पूरा भारत और पूरा देश घूम सकते हैं यहाँ पर। देखिए ये है चार मीनार, तो मैं देख के ही पहचान गया था कि ये चार मीनार ही है, क्योंकि देखिए इस पर चार हैं, ऊपर मीनार बने हुए हैं, इसलिए मैं देख के ही पहचान गया था कि चार मीनार है। अब मैं चार मीनार के अंदर जा रहा हूँ। ओ भाई वाओ, ये देखिए कितना सुंदर है। सच में ये जगह बहुत ही सुंदर है दिल्ली के पार्क में से। तो ये पार्क आप जरूर आइएगा, भले आपसे वो एंट्री फीस 100 लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वो 100 रुपीज़ आपका वैलिड है, क्योंकि इतना सुंदर सुंदर चीज़ आपको एक ही जगह देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो आप भी ज़रूर आइएगा यहाँ पर। मुझे लगा कि यहाँ पर 100 रुपीज़ ले रहे हैं, मतलब कि पैसे ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर उसका वो लगता है। तो ये है कोणार्क मंदिर। तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है, लेकिन मैं कभी गया नहीं यहाँ पर, आज मैं इसका आपको मॉडल दिखा रहा हूँ यहाँ पर। भारत दर्शन पार्क में ये है अजंता और एलोरा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और ये है गौतम बुद्ध।
इसके बारे में भी मैं पता करता हूँ। तो ये है खजुराहो मंदिर। मैं खजुराहो मंदिर के बारे में बहुत सुना था, आज मैं फर्स्ट टाइम इसका मॉडल देख रहा हूँ। मैं कभी ये खजुराहो मंदिर भी दिखाऊंगा या देखने जाऊंगा, और जब भी देखने जाऊंगा तो मैं ब्लॉग बना के आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो दिल्ली के बहुत ही फेमस भारत दर्शन पार्क में आकर हमें ऐसा लग रहा है कि हमने सच में पूरा भारत यहाँ पर देख लिया है। तो यहाँ पर हर एक फेमस मॉन्यूमेंट और हर एक फेमस टेंपल को यहाँ पर उसका मॉडल बनाया गया है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। तो मैं आपको एक बात और बोलूँगा, अगर आप दिल्ली आते हैं या आप दिल्ली से हैं, आपको पूरा भारत घूमना है, तो आप यहाँ पर आइए, आपको यहाँ इस पार्क के अंदर पूरा भारत देखने को मिलेगा। मतलब उसका एक मॉडल आप देख सकते हो कि वो मॉडल रियल में कैसा है। तो यहाँ पर और एक वो ऐसा भी मॉडल नहीं है, मतलब यहाँ पर हर एक मॉडल को बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। तो ये चार मीनार है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं फिर आया हूँ इस मीनार को देखने के लिए। तो एक बार फिर मैं इसके अंदर से जाऊँगा और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। तो सच में यहाँ पर आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए फूड साइकिल, यहाँ पे देखिए फूड साइकिल बनाया गया है। ये है रेड फोर्ट, ये रेड फोर्ट का डिज़ाइन बनाया गया है यहाँ पर। भारत दर्शन पार्क के अंदर यहाँ पर कैंटीन भी बनाया गया है, तो आप यहाँ पर आकर फूड भी इंजॉय कर सकते हैं, तो खा पी सकते हैं यहाँ पर। तो ये पूरा फूड एरिया यहाँ पर बनाया गया है। तो हमने भी नूडल ऑर्डर किया है, तो हमारी नूडल तैयार हो रही है। तो ये जहाँ पर हमारी नूडल तैयार हो रही है, इस जगह का नाम है बहादुर कचौरी वाला। तो 11 नंबर स्टॉल है, तो हमें 11 नंबर स्टॉल पे बोला गया था कि हमारा नूडल यहीं पे रेडी होगा, तो हमारा नूडल भी बन रहा है। मैंने पूछा कि मैं आपका वीडियो बना लूँ, मैं आपको ब्लॉग में ले लूँ, तो वो बोल रहे हैं कि मेरा पार्क फेमस हो इसलिए मुझे ले लो। तो ये भैया हैं, तो आप अगर इस पार्क में आते हैं तो ये भैया से ज़रूर नूडल खाइएगा ना भैया जी। तो अच्छा बनाइएगा, मैं रिव्यू दूँगा। नूडल बन रही है, यानी हमको हमारी चाउमीन दे दी है, जो बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। भैया स्टिक कहाँ है? थैंक यू। तो हमारा नूडल तैयार हो गया है और बहुत ही अच्छा है, इसको डेकोरेट किए हैं। तो मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ ये नूडल कैसा है। मतलब टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही स्पाइसी नूडल है, तो अच्छा है। कि आप वेस्ट टायर देख पा रहे होंगे, तो इसका पूरा यूज़ करके यहाँ पर बैठ के आप कोई भी अपने फूड को एंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ से आप ऑर्डर करेंगे। और ये है रेड फोर्ट दिल्ली का, तो ये पूरा यहाँ पर कैंटीन पूरा ये बनाया गया है। इसमें एक सर हैं जो ये इस पार्क के मैनेजर हैं, जो मुझे इस पार्क के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं, जो अभी मुझे यहाँ पर किचन यहाँ का दिखाएं, और भी इस पार्क के बारे में बताएं, और इस पार्क के बारे में आप बताइए। नमस्कार। नमस्कार। तो अभी ये पार्क इन्होंने जो दिखाया वो फेज़ वन था, अभी हम इस साल तक फेज़ टू पार्क का बना देंगे इस एंड ऑफ द ईयर। सो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी यहाँ पे मटेरियल आना शुरू हो गया। ये पूरा पार्क जो है वेस्ट से बना हुआ है, जितना पुरानी गाड़ी हो गई, पिलर्स हो गए, या जो भी मेटल की स्क्रैप आइटम्स पूरे दिल्ली में मिलती है, वो हम यहाँ पे कलेक्ट करके से पूरा पार्क डेवलप करते हैं। सो अभी तक फेज़ वन में अराउंड 21 मॉन्यूमेंट्स है, फेज़ टू में भी 17 मॉन्यूमेंट्स और आएंगे। सो उसका मटेरियल अभी हमारे पास आना शुरू हो गया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कार्ड्स हैं, सारी स्क्रैप की जो कार्ड्स होती है एक्सीडेंटल या जो भी गवर्नमेंट के पास होती है कार्ड्स, वो हमें देते हैं। पूरा स्क्रैप मटेरियल है, इसको हम पूरे को यूज़ करेंगे। इसके दरवाजे, इसकी चेसीज, इसके इंजन को छोड़ के बाकी बेसिकली पार्ट यूज़ हो जाते हैं। तो टायर्स हो गए पुराने, इनका स्टेयरिंग व्हील्स हो गया, तो ये पूरा स्क्रैप हमारे पास फेज़ टू के लिए भी आना शुरू हो चुका है। इसको हम स्क्रैप को अंदर से यूज़ करके इसके पार्ट्स, इससे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए। तो अभी तक इंडिया के 21 मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, कुतुब मीनार और आपका चार मीनार, बद्रीनाथ, उड़ीसा का जगन्नाथपुरी, ऐसे चारों धाम बने हुए हैं। ऐसे यहाँ पे टोटल 21 मॉन्यूमेंट्स अभी बन चुके हैं।
और ये सारा सामान जो है फेस टू के लिए 17 मॉन्यूमेंट्स के लिए यहाँ पे भी आ रहा है। यहाँ के मैनेजर ने हमको यहाँ पर लाया और यहाँ पे जो सेकंड फेज बनने वाला है उसके बारे में पूरा बताया है। तो यहाँ पर सारे वेस्ट मटेरियल आ गए हैं, अब इसे यहाँ पर और भी क्रिएटिविटी चीज़ यहाँ पर बनेंगे। तो मैं जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ, देखिए पूरा ये वेस्ट कार है, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। तो अब इसका, ये एक्सीडेंटल कार्स हैं सारे, तो अब इसका रीयूज़ करके एक बहुत ही सुंदर मॉन्यूमेंट बनाएंगे। तो मैं कुछ दिन में यहाँ फिर आऊँगा और यहाँ पर फिर से हम ये पूरा पार्क आपको दिखाएंगे, जो जो भी नया चीज़ यहाँ पर बनाएगा तो मैं आपको पूरा दिखाऊँगा। तो एक बहुत ही यूनिक वे है एक, मतलब कि वेस्ट मटेरियल को रीयूज़ करना, और एक तरीके से इस पार्क में आने से हम पूरे भारत को भी अपने जान सकते हैं। और जैसा कि आपने ताजमहल देखा, कुतुब मीनार देखा, तो मैंने भी आज तक कभी ताजमहल नहीं देखा, आज मैं फ़र्स्ट टाइम ताजमहल देखा, जो कि उसका डिज़ाइन इतना, मतलब उसको इतना साफ तरीके से बना रहे हैं यहाँ पर, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, आप दिल्ली आते हैं या आप दिल्ली से हैं अब तक यहाँ पर नहीं आए हैं, क्योंकि बहुत लोगों को इस पार्क के बारे में नहीं पता है, क्योंकि ये पार्क को खुले एक साल से भी कम समय भया है, तो इसीलिए बहुत लोग इस पार्क के बारे में नहीं जानते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा आप इस पार्क में ज़रूर आइएगा और कुछ दिन में आइएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर फूड कोर्ट भी अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर बनाया, जहाँ पर मैंने आज नूडल खाया है, जो बहुत ही अच्छा टेस्ट था नूडल का। और भी बहुत चीज़ें यहाँ पर आपको फूड आइटम्स में देखने को मिलेंगे, छोले भटूरे से लेकर आपको हर एक चीज़ फूड आइटम्स का यहाँ पर मिलेगा। मैंने आपको यहाँ का किचन भी दिखाया है, तो आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा। अब हम लोग इस एरिया से बाहर जा रहे हैं। तो ये देखिए भारत दर्शन पार्क के अंदर यहाँ पर पूरा किचन में हमें साफ है यहाँ पर। दर्शन पार्क के अंदर हमें यहाँ पर किचन भी पूरा दिखाए हैं, जो बहुत ही अच्छा यहाँ पर पूरा किचन को मैनेज किया गया है। और अभी हम लोग पूरा भारत दर्शन पार्क का सेकंड फेज़, जो और भी जो फेज़ यहाँ पर बनने वाले हैं, तो अभी हम लोग वो पूरा देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सारे वेस्ट मटेरियल आ चुके हैं, अब उसे पूरा यहाँ पर क्रिएटिव बनाएंगे और क्रिएटिव चीज़ें बनाएंगे। तो कुछ दिनों में यहाँ पर मैं फिर आऊँगा और आपको ये जो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, ये पूरा वेस्ट मटेरियल है, तो यहाँ पर और भी क्रिएटिविटी चीज़ बनेगी, तो वो सारे मैं आपको दिखाऊँगा। वेस्ट टू वंडर, तो ये वेस्ट टू वंडर सच में वेस्ट का यूज़ करके बहुत ही अच्छा चीज़ यहाँ पर बनाया गया है। तो ये देखिए हाथी, तो हाथी से मिलिए, तो ये हाथी थी, और ये देखिए टॉम, जेरी नहीं दिख रहा है, लग रहा है टॉम के पेट में है जेरी। भारत दर्शन पार्क में हमें आकर बहुत ही अच्छा लगा, हमने यहाँ पर जाना कि इस पार्क को कैसे बनाया गया है, पूरे वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके ये पार्क को बनाया गया है। और इस पार्क में और भी चीज़ें अभी बनने वाली हैं, तो उसका भी फेजेस का काम यहाँ पर चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको सारे कार्स दिखाए थे, बाइक्स दिखाए थे, जो जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं वो दिल्ली से पूरा इसी पार्क में आते हैं, और यहाँ पर उस चीज़ों को यूज़ करके एक न्यू चीज़ और एक क्रिएटिव चीज़ यहाँ पर बनाते हैं। तो हम एक बार फिर आएंगे इस पार्क में, क्योंकि और भी फेजेस का काम यहाँ पर चल रहा है, तो वो पूरा हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग इस पार्क से बाहर जा रहे हैं। तो भारत दर्शन पार्क के बारे में मैंने बहुत ही सुना था, और मैं आज यहाँ पर आया, मैं पूरा भारत दर्शन पार्क में आया और यहाँ पर पूरा भारत दर्शन किया, जो बहुत ही अच्छा लगा। मैंने पूरे चार धाम के यहाँ पर दर्शन किए, और मैं आपको भी बोलूँगा, अगर आप दिल्ली आते हैं, अगर आपको पूरा भारत भ्रमण करना है या पूरा भारत दर्शन करना है या पूरा भारत देखना है, तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर ये बनाया गया है, तो आप इस पे बैठ के भी पूरा ये भारत दर्शन पार्क घूम सकते हैं। तो हम तो पूरा पैदल घूमे हैं, तो किसी भी एज के लोग हों तो यहाँ पर आइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आपके लिए देखिए यहाँ पर ये प्रोवाइड किया गया है, तो आप इस पे बैठ के भी पूरा भारत दर्शन पार्क घूम सकते हैं। तो अभी हम लोग ये पूरा पार्क, ये पूरा भारत दर्शन यहाँ पर किए, पूरा ये पार्क घूमे, अब हम लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं। और मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बहुत ही थैंक्स बोलूँगा और बहुत ही उनको अप्रिसिएट करूँगा, जिन्होंने बहुत ही अच्छा चीज़ ये दिल्ली में बनाया। और तो बहुत ही, मैं सच में बहुत ही अप्रिसिएट करूँगा, क्योंकि वो हर एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही बारीकी से बनाया गया था, और हर एक मॉन्यूमेंट में, हर एक मॉडल में मुझे यूनिकपन दिखा। तो यूनिकनेस दिखी, जहाँ से ताजमहल से लेके वो खजुराहो टेंपल और मीनाक्षी टेंपल, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, देखिए मीनाक्षी टेंपल यहाँ से दिख रहा है,
तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मॉडल एकदम रियल फील आ रहा था, तो इसलिए मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि आप ज़रूर आइएगा इस पार्क में, तो बहुत ही अच्छा लगा। बस हाँ, एंट्री फीस इन्होंने 100 रुपये लिया, और तो मुझे लगा कि 100 रुपये बहुत ज़्यादा है एक पार्क के लिए, लेकिन जब आप अंदर आएंगे तो आपको वो चीज़ वैलिड लगेगा। तो अभी हम लोग इस पार्क से बाहर जा रहे हैं, कुतुब मीनार से लेकर आपको पूरा मीनाक्षी टेम्पल, यहाँ पे हर एक वो चीज़ दिखेगा जो भारत में बहुत ही फेमस है, जिसके लिए भारत पूरा जाना जाता है। और ये देखिए पूरा शेर बनाया गया है यहाँ पर, तो ये शेर है, ये देखिए पूरा ग्रास से बनाया गया है। हाय, ये देखिए डॉल बनाया गया है, तो इसका ये भी देखिए पूरा वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके बनाया गया है। मैं आपको अगर ये पास से दिखाऊँ ना, तो ये टायर का वो है, मतलब कि ये व्हील है साइकिल का, और उसको पूरा ये ज्वाइंट करके ये पूरा बनाया गया है। तो बहुत ही क्रिएटिवनेस यहाँ पर दिखाई गई है इस पार्क में, तो इसलिए मैं बहुत ही अप्रिसिएट करूँगा। ये देखिए मीनाक्षी टेम्पल, और कितना बारीकी से पूरा ये बनाया गया है, सच में बहुत ही सुंदर ये लगा यहाँ पर आकर हमें। तो मैंने आज आपको अपने ब्लॉग से पूरा चीज़ दिखाया है जो बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पर एक इंडियन म्यूज़िक भी चल रहा है, तो यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब हम लोग इस पार्क से बाहर जा रहे हैं। अपने इस दिल्ली के भारत दर्शन पार्क में आकर बहुत ही अच्छा लगा। एक तरीके से हमने इस पार्क में आकर पूरा भारत दर्शन किया, जो बहुत ही अच्छा था, और एक बहुत यूनिक वे है हमारे भारत को रिप्रेजेंट करने का। और मैं बहुत ही अप्रिसिएट करूँगा दिल्ली के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, जिन्होंने ये पूरा पार्क को बनाया, एक तरीके से बहुत ही अच्छा आइडिया दिया इस पार्क को बनाने के लिए। तो ये पार्क अभी हाल ही में खुला है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इस पार्क को खुले, तो बहुत कम लोग इस पार्क के बारे में अभी जान रहे हैं। धीरे धीरे लोग जब जानेंगे इस पार्क में, तो इस पार्क में आपको बहुत भीड़ भी देखने को मिलेगी, तो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। दिल्ली के बहुत ही फेमस भारत दर्शन पार्क में आकर हमें बहुत ही अच्छा लगा, और ये पार्क सच में बहुत ही अच्छा है, मैं क्या बताऊँ। इस पार्क में आकर मैंने एक तरीके से पूरा भारत दर्शन किया है, वो भारत के हर एक चीज़ देखा है जो बहुत ही फेमस है भारत में। चारों धाम मैंने यहाँ पर देखे हैं, मतलब कि चारों धाम देखा, और मैंने यहाँ पर ताजमहल, कुतुब मीनार, आज तक मैं दिल्ली में हूँ, मतलब आज तक मैं कुतुब मीनार नहीं गया, लेकिन मैंने यहाँ पर आज कुतुब मीनार भी देखा। तो एक बहुत ही यूनिक वे है हमारे भारत को रिप्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट करने का, एक पार्क में एक इतने अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट एक मॉडल बना के। मैं बहुत ही अप्रिसिएट करूँगा, मैं यहाँ के मैनेजर से भी मिला, वो मैनेजर भी बहुत अच्छे तरीके से इस पार्क के बारे में बताया, जहाँ तक कि उन्होंने बोला कि अभी ये फेज़ वन था, और फेज़ टू में इन्होंने बोला कि और भी मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर बन के आएंगे, तो ये पार्क और भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे जो फूड कोर्ट था, वो फूड कोर्ट भी अभी कुछ दिन पहले खुला है, मैं फूड कोर्ट में खाना भी खाया, मैं नूडल दिल्ली में आज फर्स्ट टाइम खाया हूँ। मैं लास्ट टाइम नूडल अपने बनारस में खाया था, लेकिन आज मैं नूडल फर्स्ट टाइम, मुझे क्या पता था कि मैं भारत दर्शन पार्क में आकर खाऊंगा, जो बहुत ही अच्छा था। और मैंने यहाँ पर पूरा रेस्टोरेंट, मतलब वहाँ पर पूरा मुझे वो इतना इम्प्रेस हो गया कि मुझे वो पूरा अपना किचन भी दिखाया, और बहुत ही नीट एंड क्लीन किचन था। और उन्होंने भी अपने इस ब्लॉग में लिया, और उन्होंने बोला कि मुझे टैग करिएगा, और आप भी अपने ब्लॉग को मुझे दीजिएगा, मैं आपको अपने इस भारत दर्शन पार्क के मेन वेबसाइट में डालूँगा, तो मैं ज़रूर अपना इस ब्लॉग डालूँगा, और भी लोगों को बताऊँगा इस पार्क के बारे में, क्योंकि ये पार्क अभी नया नया खुला है, मतलब इसको एक साल भी नहीं हुआ है इस पार्क को खुले, तो और भी लोग अगर इस पार्क के बारे में अवेयर होंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और एक वेस्ट मटेरियल को अच्छे तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा मोटिवेट किए यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तवांग गेट है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये भी पूरा वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, तो एक बहुत ही यूनिक वे लगा, बहुत ही अच्छा लगा आकर। और मैं आप सबको बोलूँगा कि आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा। तो यहाँ पर अभी बैसाखी फेस्टिवल चल रहा है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि देखिए सजाया गया है थोड़ा बहुत,
तो वैसाखी फेस्टिवल के लिए इन्होंने मुझे कल इनवाइट किया है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि मेरा स्टडी भी चल रहा है, तो मैं शायद ही आ पाऊँ ये वैसाखी फेस्टिवल देखने के लिए। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं आऊँगा, नहीं तो मैं नहीं आ पाऊँगा। लेकिन मैं यहाँ पर कल से वैसाखी फेस्टिवल शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर आप तरह तरह के एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, तो मैं तो नहीं आ पाऊँगा, लेकिन उन्होंने मुझे इनवाइट किया जो बहुत ही अच्छा लगा सर से मिलके। ये देखिए मेट्रो जा रही है, मैं इसी मेट्रो से यहाँ आया हूँ, पंजाबी बैंक मेट्रो स्टेशन से मैं आया हूँ यहाँ पर, और ये मेट्रो भी मैंने आपको आज दिखा दिया। अब मैं अपने इस ब्लॉग की एंडिंग कर रहा हूँ, अब बहुत सब शाम होने वाला है, अब मुझे टाइम से घर भी जाना है, और मिलेंगे आपको एक दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप सभी के आशीर्वाद की कामना करता हूँ। मैं श्रीधर, द कैपिटल ऑफ माई ग्रेट कंट्री दिल्ली से आप सभी को बेस्ट विशेस, एंड आप सबको बाय बाय, और ये पार्क में ज़रूर आइएगा आप सब।